Hey guys, welcome and welcome back to my channel The Glam Book. मैं हूँ अपूर्वा and I hope you all are doing good and safe. So guys, आज का वीडियो होने वाला है newly launched makeup product जो कि है From Purple. तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट परचेज किए हैं जो कि न्यूली लॉन्च हैं फ्रॉम पर्पल एंड यू नो ज़्यादातर जो मेरे प्रोडक्ट हैं एन वाई बेसिक. सो या लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल बटन को हिट ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. नेक्स्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स मूव इन टू द वीडियो. ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और उसको मैं वन बाई वन करके दिखाने वाली हूँ. लेकिन जो सबसे न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. एक्चुअली मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैंने इसको परचेज़ किया है ना. मतलब ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहा है गाइज, लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया तो इसके ऊपर कोई भी रिव्यूज़ नहीं थे, ना ही इसकी साइट पर और ना ही यू नो यूट्यूब पर. बट या मैंने रिस्क लिया एंड ये रिग्रेट बाई रहा मेरा. सो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी. तो ये है, यह है क्या, ओके इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो कि ये है क्या, तो ये है एन वाई बेकर लिप एंड चीक टिंट जो उन्होंने न्यूली लॉन्च किया है. कितना मैच करा है ना मेरी वॉल कलर एंड इसकी पैकेजिंग में, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है. खैर एंड इसमें जो मैंने शेड लिया है वो है 04 रेड डहलिया एंड इसका जो क्वांटिटी है 2.6 ml की क्वांटिटी है गाइज. बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम. एंड इसका जो प्राइस है, प्राइस गाइज है 225 rupees. मतलब 225 rupees में आपको 2 gram का प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी 2.6 ml. बट या स्टिल बहुत ही कम है. एंड ये क्लेम करते हैं कि ये 2-in-1 टिंट है, ओके लॉन्ग लास्टिंग है, पॉप वाइब्रेंट है, स्मज प्रूफ है एंड हाइड्रेटिंग है. ठीक है, चेक कर लेते हैं. सो गाइज इसको ओपन करते हैं. पैकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा सही है एंड एन वाई बी की जो पहली पैकेजिंग थी वो आई थिंक वाइट एंड ब्लैक और रेड में कुछ मिक्स में था. बट अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दी है जो कि ज़्यादा सही है. मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है. बिना ये यू नो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं लगता था पहले, मेड इन अमेरिका वाला कुछ ऐसा यू नो उनका कुछ फ्लैग वाला था जो कि मुझे पैकिंग उनकी ज़्यादा पसंद नहीं थी. बढ़िया, अगेन बात कर लेते हैं. तो ये है शेड मेरा रेड डहलिया 04. गाइज इसमें आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा होगा एंड जब मैंने इसको ऑर्डर किया था ना मैंने भी सोचा था कि ये बहुत ज़्यादा डार्क होगा. बट यार स्टिल डार्क तो है लेकिन जब आप इसको लगाओगे ना तो ये बिल्कुल ही बेकार है एंड मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. और क्यों पसंद नहीं आया इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो में रिव्यू दे दूँगी तो आप लोग वहाँ पर इसका सारा डिटेल देख लें. गाइज मैं इसके बारे में सारा डिटेल में बताऊँगी, वो भी शॉर्ट वीडियो में. तो आप सोच सकते हैं 1 मिनट के अंदर आपको हर चीज़ पता चल जाएगी. तो बेसिकली बोले तो इसकी रियलिटी आपको पता चल जाएगी एंड आपको परचेज करना चाहिए या नहीं मैं बोल दूँ यहीं पर नहीं. अगर आप इसको परचेज करने का सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से ना है और ना क्यों है वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए. सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम अपनी बात कर लेते हैं. एन वाई बेकर न्यूली लॉन्च मेकअप फिक्सर, ये है मैट फिनिश के साथ एंड इसके 5 से 6 वेरिएंट आते हैं. आपको अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे बट मैंने मैट फिनिश वाला लिया है बिकॉज समर्स आ चुके हैं एंड समर्स में ना ड्यूई वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे मैट फिनिश ज़्यादा अच्छी लगती है. सो ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में है, आप देख सकते हैं. ओपन करके आपको दिखाती हूँ. ओके सो ये है एन वाई बे का मेकअप फिक्सर जो कि मुझे इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ था. गाइज इसके बारे में बात करें तो ये है 30 ml का बॉटल जो कि मुझे मिला है एंड इसका MRP है 199 rupees एंड ये मुझे डिस्काउंट में मिल गया था. आई गेस मैंने बाय वन गेट वन फ्री में लिया था. सो मैंने 200 rupees की एक और चीज़ ली थी तो मुझे ये 100 rupees में मिल गया समझ लीजिए. इसकी शेल्फ लाइफ है गाइज 2 years की एंड ये 30 ml की बॉटल है तो आई गेस कि 1 साल भी नहीं चल पाएगा. 2 साल तो बहुत दूर की बात है या बहुत ही छोटू से है. मतलब अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वान्टिटी बहुत ही ज़्यादा कम है बट या इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है. मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एन वाई बे की लिपस्टिक एंड ये है कुछ इस तरीके की. ये भी मुझे इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुई थी. सो गाइज अगर इसके बारे में बात करें तो ये है एन वाई बे की लिक्विड लिपस्टिक एंड ये है एन वाई बे की शक्ति कलेक्शन की लिपस्टिक एंड ये मुझे मिली है 315 rupees यानी कि 315 rupees. लेकिन ये मुझे थोड़े से डिस्काउंट में मिली थी जो कि बहुत ही अच्छा डिस्काउंट था. आई गेस मुझे 270 में मिल गई थी. इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसका शेड क्या है एंड इसका शेड नंबर जो है वो है
अमेजिंग एरियल, एंड ये वाकई में अमेजिंग है, अमेजिंग. या सी द शेड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिक्विड लिपस्टिक है, बट ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं बनाती. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग लिपस्टिक है जो कि ये क्लेम करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. सो या ये लॉन्ग लास्टिंग है, हाइड्रेटिंग है, एंड आपके जो लिप्स हैं उनको ड्राई नहीं करती. सो ये और बहुत ही लाइट वेट है गाइस, इट्स सच अ लाइट वेट लिपस्टिक. मतलब मैंने लिक्विड लिपस्टिक में इतनी लाइट वेट लिपस्टिक नहीं देखी अभी इससे पहले. सो अगर आप यू नो हैवी लिपस्टिक से परेशान हो चुकी हैं तो आपको ना ये वाली ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है. मतलब पता भी नहीं चलता लगाने के बाद नो लिक्विड लिपस्टिक आपने. प्रोडक्ट जो है वो गाइस वो है मेरे पास अगेन NY बेकर न्यूली लॉन्च हाइलाइटर. कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. पैकेजिंग तो आप आई गेस आप लोगों को पता ही होगा कि सब कुछ ये बबल रैप में देते हैं, एंड उसके ऊपर भी ये प्लास्टिक रैप होता है. तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है. अगर मैं इसकी पैकेजिंग हटा दूँ, ओके, तो ये मुझे कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में मिलेगा जो कि बहुत ही क्यूट है. एंड इसका जो शेड नंबर है गाइज वो मैं बता दूँ, वो है 01 स्टैरी सिल्वर. एंड शेड बहुत ही प्यारा है इनका. ये जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है मुझे बहुत पसंद आया. मैं आपको शो करती हूँ. वाओ, आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने रैप करके भेजा है. सो गाइज इसका जो प्राइस है वो है 275 रुपीज़, लेकिन ये आपको ऑफ़र में आसानी से मिल जाएगा. आपको यू नो अगर आप दो चीज़ें कुछ लेना चाहते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र जो आता रहता है इनका, पर्पल पे ऑफ़र चलते ही रहते हैं, वहाँ से आप लीजिएगा. एंड ये आपको दिखा दूँ मैं, कि शो कर देती हूँ मैं आपको. इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक का कवर भी देते हैं, या तो कुछ इसको हटा देते हैं. सो आप देख लो गाइस इनका ये प्रोडक्ट बहुत ही प्यारा लगा. इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. एंड यहाँ पे मेरे पास 2 ब्लशेस भी हैं इनके NY बेक के जो न्यूली लॉन्च हैं. सो या 1x1 करके देख लेते हैं. यहाँ पे जो मेरे पास शेड है ये है 05 हेवनली पिंक ब्लश का. पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग इनकी बहुत ही बढ़िया होती है, मस्त होती है. मतलब देख के दिल खुश हो जाता है. एंड यू नो इस तरीके की जो स्टडी बट क्यूट छोटी सी जो होती है ना, ये पैकेजिंग क्यूट लगती हैं, और चीज़ें ना तो लड़कियों को पसंद ही आ जाती हैं, मतलब क्योंकि वो खुद ही इतनी क्यूट होती हैं, राइट. बहुत ही प्यारा शेड है. एक चीज़ मैं और भी मेंशन कर दूँ कि ये मैंने बाय वन गेट वन फ्री में लिया था. इसका जो MRP है गाइज वो है 230 रुपीज़, लेकिन इसे बाय वन गेट वन फ्री पे लिया था तो मुझे 115 रुपीज़ में एक पड़ गया, समझ लीजिए. तो ये बहुत ही प्यारा शेड है. अगर आप भी एक अफोर्डेबल ब्लश ढूंढ रही हैं, वो भी यू नो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, तो आई थिंक आपको ये ट्राई कर लेना चाहिए. एंड दूसरा शेड इसका हम देख लेते हैं कि दूसरा शेड कौन सा है. दादू की दूसरा शेड का जो नंबर है वो है 03, एंड इसका जो नेम है वो है सेलेस्टिक पिंक आई गेस. ये बहुत ही ज़्यादा छोटू सा लिखा हुआ है. इसकी भी सेम पैकेजिंग है, एंड इस पर प्लास्टिक कवर अगैन. एंड कितना प्यारा कलर है गाइज, आप देख सकते हो. सी गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ब्लशेस हैं, एंड दोनों ही कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए. अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास आता है, यहाँ पे मेरे पास आती है SQ की मिनी लिपस्टिक जो कि है सेट ऑफ 12 का. तो ये बहुत ही प्यारा है यार गाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट. एंड सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है. एंड या ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है. सो गाइज ये आप देख सकते हो कितनी क्यूट लग रही हैं, मतलब सी. बात कर लें अगर इस लिपस्टिक की तो यहाँ पे सारे कलर काफ़ी ज़्यादा सही हैं. मतलब आपको न्यूट कलर भी मिल जाएंगे, डार्क भी मिल जाएंगे. सेट ऑफ 12 है तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगे. एंड द कलर इज़ ऑसम. सो गाइज इसमें इन्होंने जो सारे 12 शेड्स दिए हैं उसमें यहाँ पे इनका नंबर एंड नेम भी दिया हुआ है. इसमें सारे शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे. हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की. तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अगेन स्टेक और की से स्टेक और की का लाइनर, जेल लाइनर. इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़. बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मैं बोलूँगी, लेकिन ये आपको ऑफर में मिल जाएगा. पहले बॉटल काफ़ी क्यूट है, इसी के साथ में ये एक एप्लीकेटर भी देते हैं.
एंड अगर आपको जेल लाइनर लगाना पसंद है, यू नो लिक्विड लाइनर आपसे यू नो ढंग से नहीं लगता, फैल जाता है, तो आई गेस आपको ये लाइनर ले लेना चाहिए। सो गाइज ये बोलते हैं कि ये वाटर प्रूफ है एंड स्मज प्रूफ है, तो मैं बोल दूँ आपको कि ये स्मज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक जेल लाइनर है और जेल लाइनर कभी भी स्मज प्रूफ नहीं होते, या वाटर प्रूफ हो सकता है, या वाटर प्रूफ की जगह वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं, बट या ये स्मज प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये टू इन वन है, आप एज अ काजल भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट या ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा यू नो क्रीमी है एंड स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वालिटी वाइज बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सही है। बट अगर इनके क्लेम की बात करें कि इन्होंने जो क्लेम किया है कि ये स्मज प्रूफ है, तो स्मज प्रूफ नहीं है, बिकॉज एक जेल लाइनर कभी भी स्मज प्रूफ नहीं होता, या जो अभी तक मैंने देखा है, मतलब मैंने जितने भी जेल लाइनर्स देखे हैं वो स्मज प्रूफ नहीं होते। अगर अभी कोई न्यूली लॉन्च हुआ हो तो मुझे नहीं पता। गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम अपनी बात कर लेते हैं अगेन, जो मेरे पास है एसक्यू से। एंड या यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है वो है एसक्यू का लूज पाउडर। एंड ये जो लूज पाउडर मैंने लिया है, ये आमतौर पे आप लोग यू नो वाइट या फिर बेज कलर में लेते हो लूज पाउडर, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग डिफरेंट ट्राई किया है। ये जो पाउडर है वो है कुछ पिंक इन कलर में, और यहाँ पे ये है इसका MRP 349 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है मुझे। मुझे ये आई गेस ऑफर में मिल गया था, लेकिन या फिर भी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। 1 ग्राम का प्रोडक्ट आपको देंगे ये, पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हो एज इट इज़ कार्डबोर्ड बॉक्स, या सो कुछ इस कंटेनर दे रहे हैं। सी कि कलर की बात करूँ गाइस, आपने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही पिंक, डार्क पिंक है, एंड यू नो लगाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा फेस अपना पिंक पिंक सा लगने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप एज अ लूज पाउडर यूज़ करोगे तो ये बिल्कुल भी यू नो उसकी तरह काम नहीं करेगा, आपका फेस एकदम पिंक ही जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। बट एज अ ब्लश अगर आप डेली बेस में यूज़ करना चाहो तो उसके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। मतलब अगर आप टीनेजर हैं ना और आपको ब्लश लगाना अलाउड नहीं है, तो आई गेस आप ये वाला ट्राई कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा। आई थिंक ये टीनेजर्स के लिए ही बनाया गया है कि वो लगा ले एंड यू नो ब्लश का काम कर जाए। बढ़िया, ध्यान रखिएगा गर्ल्स, अगर आप टीनेज हैं, आपको लगाना है इसको, तो आप यू नो एज अ ब्लश लगाइए, एज अ लूज पाउडर नहीं। ओके, यहाँ पे जो अगेन मेरे पास लॉन्च प्रोडक्ट है वो है इनसाइड का लिपस्टिक। मैंने ये पर्पल से ऑर्डर किया है। मैंने इनसाइड के कुछ कॉस्मेटिक्स अमेजोन से भी परचेज किए हैं, एक्चुअली कुछ नहीं ढेर सारे, सो उसका मैंने अलग से हॉल वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है वो है इनसाइड का लिक्विड लिपस्टिक, एंड इसका जो शेड है पर है वो है 18, एंड जो इसका नेम है वो है रेड प्रीमियम, एंड रेड इन कलर में मैंने ये परचेज किया है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इसकी MRP की, तो MRP है 80 रुपीज़, यानी कि 90 रुपये, और ये मुझे 81 रुपीज़ में मिला था। सो या मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया था। ओके, सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर है लिपस्टिक। इसमें आपको 12 और शेड्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे शेड्स आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम इनका लिक्विड लिपस्टिक ट्राई किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सही है। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, कह सकते हैं कि पैसा वसूल चीज़ है। अगर आपको यू नो लिक्विड लिपस्टिक चाहिए, वो भी आपको अपने बजट में चाहिए, सो आई थिंक आपको इनसाइड की लिपस्टिक पे देखना चाहिए। न्यू शेड भी आपको मिल जाएंगे, डार्क शेड भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे इसमें। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, शो कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है। सो गाइस पैकेजिंग से लेके प्राइस तक एंड क्वालिटी से लेके कलर तक सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक लिक्विड लिपस्टिक चाहिए और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आई थिंक लिपस्टिक ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही प्यारा शेड है ये। एंड गाइस अगर इसमें और भी बहुत सारे शेड आते हैं, एंड मैं परचेज भी करना चाहती हूँ। अगर आपने कोई शेड ट्राई किया है और आपको वो पसंद है, तो गाइस प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए, बिकॉज मैं शेड इसके लेना चाह रही हूँ। तो आपको कौन सा शेड पसंद है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ये था आज का वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपने एंजॉय किया इसको तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय बाय।